राज्य सरकार का कामकाज अच्छा चल रहा है राज्य सरकार को किसी से भी कोई भी खतरा नहीं है राज्य सरकार पूरे पाँच साल तक चलेगी और आने वाले दिनों में भी, भी महाविकास आघाड़ी की सरकार काम करती रहेगी ऐसी जानकारी आयोजित मिट द प्रेस प्रोग्राम में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी है इस मौके पर तमाम पत्रकार मौजूद थे महाविकास आघाड़ी सरकार जब से आई है तब से सरकार गिरीगी का सुर आलापा जा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ महाविकास आघाड़ी सरकार को तीनों पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद होने से राज्य की सरकार स्थिर होने का दावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मीट द प्रेस कार्यक्रम में किया उन्होंने कहा राका नेता शरद पवार को रोज कई लोग मिलते हैं ऐसे में अदानी मिले तो उसमें नया क्या है राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को किसी भी प्रकार कोई खतरा नहीं होने से विकास कार्यो को गति मिली है काफी समय कोरोना महामारी में किया जसके कारण विकास दूर करण्याची बाबी एक काबुलकी आहे असं होत असताना आम्हाला असं वाटलं की, पाद, की है। हो तो करोना नंतर कमी होईल म्हणून आम्ही हिवाळी अधिवेशन त्याच्यानंतर त्याच्या पावसाळी अधिवेशन पहिलं आलं पावसाळी अधिवेशन तर आपण ह्याला घेतोच मुंबईत परंतु नंतर हिवाळी अधिवेशन ते पण अवघं आपल्याला दोन दिवसावर घ्यावं लागलं त्यावेळेस आम्ही ठरवलेलं होतं की बजेट अधिवेशन इथं घ्यायचं परंतु त्याच्यानंतर देखील ज्यावेळेस आम्ही सगळेजण बसलो होतो त्यावेळेस लक्षात आलं की हे अधिवेशन जे काही बजेट अधिवेशन का वे अधिवेशनाचं कामकाज असतं तुम्ही बघितले आत्ताच आज सुप्रिया मला सकाळी भेटली होती ते म्हणले पाच दिवसाने आमचं पण लोकसभेचं अधिवेशन त्या ठिकाणी संपत आहे ह्यावेळेस त्यांनी पुस्तकं वगैरे काही दिली नाही पेनड्राईव्हमध्येच सगळ्या गोष्टी दिल्या आम्ही पण ह्यावेळेस तसंच करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के पास अभी तक जी के पैतीस हजार करोड़ नहीं आए हैं। अब जबकि स्थिति सुधर रही है तो राज्यों को मिलने वाला पैसा आना चाहिए था परंतु तो वह नहीं आने से कई मामले लंबित है कोरोना के अने कारण अनेक कार्यों का प्राथमिकता क्रम बदला गया निधि स्वास्थ्य सेवा के लिए देने से विकास कार्यों में कटौती हुई है मानसून अधिवेशन कम समय के लिए हुआ नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन भी मुंबई में लेना पड़ा इसमें भी अधिवेशन की समयावधि कम करनी पड़ी परंतु अब कोरोना संक्रमण कम होता दिखाई दे रहा है ऐसे में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यो को गति प्रदान की जा रही है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट